तीन पांच जो शब्द है या मुहावरा है, ये भारत में या ये कहें कि एशिया के अंदर ही अधिकतर बोला जाता है। आपने सुना होगा कई बार, जो बहुत चतुर ज्ञानी लोग होता है या चतुर ज्ञानी लोग होते हैं, उनको अक्सर कोई आदमी कहता है, अरे ये बहुत तीन पांच कर रहा है या ये बहुत तीन पांच करता है, इससे बच के रहो, ये तीन पांच वाला आदमी है, या इससे बात नहीं करनी है, ये तीन पांच करता है। ये मुहावरा भारत में बहुत चलता है और तीन पांच वाले आदमी से लगभग सभी आदमी घबराते हैं, कतराते हैं, उससे बच के निकलते हैं, उससे बहस नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इस मुहावरे का बहुत सीधा सा अर्थ है। पाली प्राकृतिक के अंदर जो तीन रत्न हैं, जो भगवान बुद्ध ने तीन रत्न दिए हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इन तीन रत्नों को तीन बोला गया है। और जो पांच सील हैं, पांच सील जो बोले जाते हैं, पाणाति पाता वीरमणि सिक्खा मदं समाध्यामि से लेके सुरामेरे मज्जे पमादिट्ठन तक, जो ये पांच सील हैं, इन पांच सील और तीन रत्नों को मिला के तीन पांच का मुहावरा बना है। जो उस समय जितने भी ज्ञानी लोग होते थे या जो भी लोग होते थे, वो सभी त्रिषण और पंचशील का पालन करते थे और उनकी बुद्धि का पैमाना, उनकी प्रबुद्धि का या बुद्धत्व का पैमाना बहुत ऊंचा होता था। और जो बाहरी लोग होते थे या ऐसे लोग होते थे जो मूढ़ मगज वाले होते थे, वो उनसे बात नहीं कर पाते थे, ना ही उनका कोई जवाब दे पाते थे, क्योंकि उनके पास सारे तर्क होते थे। इसलिए जो लुटेरे डाकू चोर जो लोग होते थे, वो ऐसे लोगों से जिनके पास पंचशील और तीक्ष्ण होता था, उनसे बच के निकलते थे। और ये मुहावरा बन गया कि ये तीन पांच वाला आदमी है, ये उनकी पहचान बन गई। और ये पहचान भारत में सभी मूल निवासी जितने लोग थे उनकी पहचान थी। इसलिए आज भी कहते हैं कि अरे ये बहुत तीन पांच करता है, इससे बात मत करो। धन्यवाद।